अभी अभी हम लोग जहाँ पहुँचे हैं, ये वन का नाम निधु वन है। क्या नाम है? निधि वन। इसलिए वृंदावन में अभी दो वन देखने को मिलेगा, एक है निकुंज वन और एक निधु वन है। ये दो वन अभी हमको छोड़ दो, अभी ये दो वन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो ये वन है, निधु मतलब क्या है? राधा रानी का एक नाम है निधु वन नागरी मानस मोहित मानस। राधा रानी को बताया, राधा रानी कौन? बोले निधु वन नागरी। निधु मतलब क्या है? एक होता है निधि, निधि वा धन है, असली धन क्या? राधा रानी का प्रेम धन ही असली धन है। निधु मतलब होता है जहाँ पर ऐसे राधा कृष्ण लीला करते हैं, जहाँ पर राधा रानी की जो श्रृंगार है निशेष पूर्वक, निधु निशेष पूर्वक धूल जाती। मतलब क्या? राधा रानी बड़ी सुंदर श्रृंगार करके आती हैं, सखियां उनको श्रृंगार करती हैं, लेकिन जब राधा कृष्ण यहाँ निकुंज में लीला करते हैं, लीला से सारे श्रृंगार जहाँ पर निशेष रूप में धूल जाती है, श्रृंगार इधर उधर हो जाती है। और निधु मतलब होता है जहाँ पर अत्यंत अत्यंत निगुड़ लीला होती है, जहाँ पर राधा कृष्ण लीला में इतने सुंदर सुंदर निभृत निकुंज में लीला करते हैं। इसलिए जहाँ पर हमारे गोस्वामी कहते हैं जत की करिषु बहु स खलु काकु बाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड बहुले जस्या कदा रस निधे वृषभानुजाया तत केलि कुंज भवनांगनि मार्जनि श्याम। श्री प्रबोधानंद कृष्ण लीला में जो तुंग विद्या सखी महाप्रभु की लीला में ये प्रबोधानंद सरस्वती है, वो कहते हैं जहाँ पर राधा कृष्ण जब ये निधुवन में सुंदर लीला ठाकुर जी कहते हैं निकुंज में, कभी राधा रानी कभी मान करके बैठ जाती हैं, कहते आज हम किसी काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहते। बोले सखियां तुम्हारी ये जो भुरु काला है ना, इसमें चंदन लगा कर इसको भी सफेद करा दो। बोले चोटी भी काली, बोले सुंदर फूलों से ये चोटी को भी ढक दो, कोई काले व्यक्ति को हम देखना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले कृष्ण कभी बोले थे मिलूंगा, राधा रानी सुंदर कुंज बना करके बैठे हुए, लेकिन बीच में ये चंद्रावली कहां कृष्ण को ले जाती है, इसलिए राधा रानी मान करती है। कृष्ण जब उन्हें चंद्रावली को मना करके आते हैं, अंदर में प्रवेश करना चाहते, लेकिन सखियां यहां पर घुसने नहीं देती है निधुवन में। इतने में कृष्ण राधा रानी की बात ही छोड़ दो, उनकी जो सखियां हैं, उनकी जो मंजरियों को चरण में प्रार्थना करते हैं, हमें थोड़ी सी अंदर में प्रवेश करने के लिए दो। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जिस कुंज में कभी कभी श्याम सुंदर भी स्वयं प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वो निकुंज में जब सखियां झाड़ू में झाड़ू लगाते हैं, वहां का क्या एक मैं सलाका बन सकूंगा, मेरे क्या ऐसे सौभाग्य होगी जब गोपियां झाड़ू लगाएंगे सलाका से, तरह मैं भी राधा रानी के निकुंज को मैं भी झाड़ू लगाऊंगा। यहीं पर कभी कृष्ण वृंदावन की लीला स्मरण करते 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 कृष्ण कभी बेहोश हो जाते हैं कभी, और जब कृष्ण बेहोश हो जाते हैं और कभी सभी कृष्ण जब बेहोश हो गए कहां पर, राधा रानी यहीं पर बेहोश हो जाती है कृष्ण चिंतन करते करते। कृष्ण बेहोश हो जाती है द्वारका में, राधा रानी ब्रजवासियों को विरह का स्मरण करते करते। कृष्ण जब बेहोश हो गए इतने में बोले उनका होश कैसे आएगा, बोले होश तभी आ सकता है कृष्ण वृंदावन की लीला का स्मरण करते करते बेहोश हो गए। अगर उनकी वृंदावन की लीला को अगर गाया जाए तो कृष्ण का होश हो सकता है। इतने में सब जितने सब के सब द्वारका वासी थे, बड़े सुंदर उन्होंने कृष्ण की बोले गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। जब सुंदर सुंदर कृष्ण की ब्रज की लीला स्मरण करते हैं, लीला कीर्तन गाते हैं, इतने में कृष्ण जो बेहोश होकर पड़े हुए, कृष्ण का होश आता है। जब कृष्ण के होश आता है, कृष्ण वृंदावन जाने के लिए वहीं से दौड़ते हैं। जब दौड़ते हैं इतने में क्या हुआ, कृष्ण जब बेहोश हो गए थे उसी समय में कृष्ण वृंदावन स्मरण करते करते बेहोश हो गए थे, और उधर श्री राधा रानी भी कृष्ण स्मरण करते करते, राधा रानी भी कृष्ण लीला में वो भी बेहोश होकर पड़ी हुई। बोले हे ललिते हे विशाखे, और मैं ये जीवन धारण नहीं कर सकती। बोले क्यों? बोले कृष्ण बोल करे गए थे आज जा रहा
रहा हूँ, कल कंस को उद्धार करके परसों आ जाएगा। लेकिन परसों बोल करके बरसों बीत गया, अभी तक तो श्याम सुंदर आए ही नहीं। इसलिए मैं तो ये शरीर को मैं त्याग देने जा रही हूँ। हे ललित विषा के मैं और विरह को सहन नहीं कर सकता हूँ। बोले देखो ललित विषा के काम करना, जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, शरीर पांच चीज से बना हुआ है, मिट्टी वायु आकाश जल है, पांच चीज से बना हुआ रहता है। राधा रानी कहती है मेरे शरीर में जो पानी है, कृष्ण जी से सरोवर में लीला विलास करते हैं, जल क्रीड़ा करते, वो पानी को उसी सरोवर में छोड़ देना। जब कृष्ण उसे लीला करेंगे पानी में, कम से कम कृष्ण को शरीर को मैं स्पर्श कर पाऊंगा। शरीर में हवा भी पाता, उसको कहां पर? बोले कृष्ण जहां पर लीला करते हैं वहीं पर जाकर के हवा को छोड़ देना। जब कृष्ण को पंखा झुलाते हैं ना, कम से कम कृष्ण शरीर को हम पंखा झुलाएंगे, हवा रूप में सेवा करूंगी। बोले शरीर में जो वहां पर मिट्टी है, बोले मिट्टी को कहां पर छोड़ना? बोले कृष्ण जहां पर क्रीड़ा करते हैं, अगर वहां पर मिट्टी बना रहूंगा, कृष्ण अगर क्रीड़ा करेंगे, कृष्ण का चरण को स्पर्श करेगा है। बोले इसमें जो अग्नि है, बोले जो शीशा है ना, कृष्ण जब शीशा में आप रूप देखेंगे, वो शीशा में लगा देना, कम से कम है शीशा में जब कृष्ण अपना चेहरा देखेंगे वही पर मैं सेवा करूंगा। इतने में राधा रानी तो प्राण त्याग करने जा रही थी, और इधर क्या हुआ, कृष्ण राधा रानी का विरह में बेहोश हो पड़े हुए थे। इतने में जब कृष्ण बेहोश हो गए, बोले एक काम करो, एक व्यक्ति को वृंदावन में भेजा जाए हैं। वृंदावन में भेज करके ब्रजवासियों को बोले कृष्ण अभी अभी आ रहे हैं। बोले किसको भेजो? बोले उद्धव जी को भेजो। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं ब्रज में गया था और मैंने देखा कृष्ण जब ब्रज छोड़ करके आए, कृष्ण में क्या कोयल कुहुकती नहीं, मयूर केका नहीं करते, गैया घास नहीं खाते, बछड़े दूध नहीं पीते, मैया जसोदा तो बेहोश होकर पड़ी हुई वहां पर, तो जितने गोपियों को देखा उद्धव क्यारी में बेहोश होकर पड़ी हुई, कोई भोजन नहीं करते हैं, रसोई कोई नहीं बनता किसी घर में, मकोड़ा सब जाल बना दिए। मैंने ब्रजवासियों का विरहों को देख करके आया, मैंने प्रतिज्ञा करके आया था कृष्ण को जरूर लेकर के आऊंगा, लेकिन अभी तक भी कृष्ण को लेकर के नहीं जा पाया। अगर मैं दो बार जा करके बोलू ना कृष्ण आएंगे, बोले वही झूठा आ गया, बोल करके गया था कृष्ण को लाने के लिए तो लाया नहीं, फिर आ गया। इतने में बोले दाऊ भैया को बोलो, बोले भैया मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैं भी ब्रज में गया था, मैं भी कृष्ण विरह को देखा ब्रज में, मैं गोपियों को साथ में रास किया, लेकिन कृष्ण गोपियों को मैंने सांत्वना नहीं दे पाया। मैंने बोल करके आया था कृष्ण को लेकर के आऊंगा, अभी तक कृष्ण को लेकर नहीं जा पाया। अगर मैं जाकर बोलू ना किसको विश्वास नहीं होगा। इतने में सुभद्रा देवी तैयारी हुई। सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन। बोले देखो मैं स्त्री हूँ, देखना कि स्त्री स्वाभाविक रूप में स्त्रियों के अंदर में घुस जाती है, बात कर लेती है। गोपियां स्त्री, मैं भी स्त्री हूँ, इसलिए मैं गोपियों के अंदर में जाकर के उनको सांत्वना दूंगी, कृष्ण जल्दी जल्दी आएंगे। इतने में जब सुभद्रा तैयारी हुई, अब तो भारतीय लोग है, पहले माताओं को अकेले कोई जाने नहीं देते थे। बोले सुभद्रा उनकी बहन, बहन को अकेला कैसे छोड़े? बलदेव प्रभु बोले मैं जाऊंगा सुभद्रा को साथ में, बड़े बड़े भाई आप नहीं जाऊंगा। इतने बोले तीन रथ बनाओ। कितना रथ बनाओ? तीन। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की रहस्य है, तीन रथ बनाया गया, एक बलदेव प्रभु के लिए, एक सुभद्रा के लिए और एक कृष्ण के लिए। कृष्ण जब चेतना जगेगी, कृष्ण भी ब्रज में जाने के लिए तैयारी होंगे, फिर हम तीनों जाएंगे वृंदावन में। अभी तीन रथ जब बने, इतने में कृष्ण बेहोश होकर पड़े हुए थे, और इतने में कृष्ण जब कीर्तन किया, कृष्ण वहीं पर जगे, जग करके कृष्ण वृंदावन के लिए दौड़ लगाए। इतने में द्वारकावासी बोले कृष्ण हमें पता था तुम वृंदावन जाओगे, तीनों के लिए तीन रथ बना हुआ है। बलदेव प्रभु बड़े भाई आगे चलते हैं। रथ यात्रा गए कि नहीं पुरी में? कौन कौन पुरी रथ यात्रा में गए? कौन कौन गए आप बताओ, कौन कौन जाना चाहते हो? हाथ उठा। देखो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा दर्शन करने का बड़ा महत्व है। शास्त्र कहता है रथ के ऊपर में एक बार श्री जगन्नाथ को जो दर्शन करे उसको जगत में पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। कृष्ण उस समय इतने खुश, क्यों? कृष्ण अभी वृंदावन जा रहे हैं ब्रजवासियों से, राधा रानी से मिलने के लिए। अगर आपको कोई ज्यादा प्यार प्रेम करने वाले हो, अगर वहां जाओगे खुश होकर जाओगे ना, इसलिए कृष्ण वृंदावन जा रहे हैं रथ में बैठ करके, एक बार उनका दर्शन करो ना, बस
संसार चक्र से बिड़ा पार, और रथ का अगर रसी खेच लो तो पकड़ लो ना, बस ठाकुर के चरण प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी महिमा। इस बार रथ यात्रा के लिए सब तैयारी करो, ठीक है? पहले से रथ यात्रा के लिए, अभी 3 साल के बाद में रथ यात्रा होगी। चले बजा जोर से, जय जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए अभी पहले जगन्नाथ, उसको बाद में सुभद्रा, और पीछे श्री जगन्नाथ, पहले बलदेव प्रभु। इतने में करते करते यहीं पर आते, यही जगह पर, यही पर राधा रानी कह रहे हैं, ललित मैं प्राण त्याग कर रही हूँ और मैं शरीर धारण नहीं करूंगा। यहीं पर इतने में श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जब आ गए, इतने में ललिता विशाखा राधा रानी के कानों में कहते, बोले राधे और प्राण त्याग करने का जरूरत नहीं, श्याम सुंदर बांके बिहारी आ ही गए, बाकी बिहारी कृष्ण आ गए, अभी प्राण त्याग मत करो। कृष्ण के लिए तो प्राण त्याग कर रही थी। इतने में जगन्नाथ, जब कृष्ण बलराम सुभद्रा यहीं पर आए और राधा रानी को देखा लेटा हुआ, राधा रानी के शरीर में जो दिव्य उन्माद, कृष्ण प्रेम में जो संजल्प अभिजल्प, ये तरह तरह का प्रेम, कुटाई तो मुटाई तो चित्र जल्प, ये प्रेम की एक एक दशा है। जब उन्होंने राधा रानी के दर्शन किया इसी रूप में ना, जो बलदेव प्रभु थे वो एकदम पिघल करके, जो बलदेव प्रभु ना, इतने बड़े बड़े आंख ऐसे हाथ हो गए। सुभद्रा देख करके वो भी द्रवीभूत हो गई, और कृष्ण भी देख करके, वो भी राधा रानी के प्रेम को देख करके, यहीं पर उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बन करके जगन्नाथ जी का आंख कान सब द्रवीभूत हो गया, और ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बन गए। बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की। जब ऐसे बन गए राधा रानी के प्रेम को देख करके, इतने में सखियां राधा रानी को संभाल रही थी, राधा रानी बोली पहले कृष्ण को संभाल, देखो इनका क्या अद्भुत रूप हो गया। इतने में श्री नारद ऋषि प्रकट होते हैं, और नारद ऋषि प्रकट होकर के बड़े सुंदर कृष्ण की, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कीर्तन करते हैं फिर जगन्नाथ बलदेव फिर पूर्ण अपना रूप में आते हैं। नारद जी को बोले, नारद जी बड़े दिनों में राधा रानी के दर्शन हुआ ब्रजवासियों का, आज मेरे सुंदर रूप मैंने धारण किया प्रेम में, वर मांगो, आज जो कुछ वर मांगो सो देने के लिए तैयार। बोले प्रभु आपका तो बहुत रूप देखा, लेकिन इतने सुंदर रूप जो प्रेम में द्रवीभूत होकर के, ये रूप हमने कभी नहीं देखा। आप जीव को कल्याण करने के लिए जगन्नाथपुरी में इसी रूप को लेकर जगन्नाथपुरी में ये रूप को सब दर्शन दो। ये रूप को जो एक बार दर्शन कर ले जैसे जगत में, और उसका पुनर्जन्म नहीं हो। वो प्रसाद को अगर कोई पा ले, उसलिए नाम कहते कैवल्य, मतलब वो प्रसाद पाते ही जगन्नाथपुरी में, महाप्रसाद उसका नाम है, वो प्रसाद पाते ही जीव भगवत धाम को गमन कर वरदान दो। भगवान को वरदान था ये सब लीला यहीं पर श्री हरिदास, हमारी गौड़ीय संप्रदाय में हरिदास ठाकुर हुए, और ये संप्रदाय में विष्णु स्वामी संप्रदाय में और एक हरिदास हुए हैं। इनका जो दो शिष्य बेजू बाबरा और से तानसेन, जिनका नाम सुने होंगे, ये जब ऐसे कृष्ण की राग रागनी गाते थे, दिया अपने आप जल जाती थी, ऐसे राग गाते थे, पेड़ में आग लग जाती थी जब राधा कृष्ण का विरहात्मक भजन गाते थे, ऐसे सुंदर मिलन की जब भजन गाते थे, फिर पेड़ में सुंदर सुंदर फूल खिल जाता था, अद्भुत उनकी दिव्य उनकी भजन था। ये श्री हरिदास का दो शिष्य है, इसलिए इनकी भक्ति की प्रभाव से इसी वन में, अभी देखा ना वो स्थान, वहीं से श्री बांके बिहारी जी यहीं पर प्रकट हुए, इसलिए हम ये स्थान पर आए हैं। अभी भी वृंदावन में सब जंगल कट गया, लेकिन देखो अभी भी यहाँ के सुंदर जंगल को सुरक्षित है। अभी तो चारों तरफ में घेराव कर दिया, नहीं तो हम लोग जब आते थे पहले ये जंगल धोते हुए आते थे, बड़ी सुंदर लगता था, क्योंकि जैसे कुंज लगता था। ये वृक्ष भी कोई साधारण नहीं, कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे 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 होई। ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं। अब देखना स्वाभाविक रूप में वृक्ष देखोगे उसका सर ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर जब वृक्षों को देखोगे ना वो ऐसे खड़े नहीं, अब देखना लेट हुए देखोगे, बोले क्यों? बोले ये लोग भी वृक्ष रूप में यहीं पर पड़े हुए, अगर कभी ब्रज राज में पड़े रहेंगे वृक्ष बन करके, कभी ना कभी राधा रानी की कृपा तो होगी, इसलिए ये वृक्ष भी यहाँ पर लेटे हुए हैं। और देखो वृक्ष देखो सब टेढ़े मेढ़े, बोले क्यों? राधा रानी टेढ़ी
कभी राधा रानी मान करती है ना, मानो यहाँ का वृक्ष भी राधा जी की भाव से विवाह बिताए, देखो सब टेढ़े मेढ़े मतलब राधा रानी जैसे मान करती है ना, और जैसे मान बड़ी कुटिल गति होती है टेढ़ी मेढ़ी, देखो ये वृक्ष भी राधा जी की भाव में टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, हैं? इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि यहाँ पर आए और ब्रज दर्शन हम लोग सबके सब कर रहे हैं, ठीक है। बोले श्री बांके बिहारी की, बोले श्री हरिदास की, बोले सचिनंदन गौर हरि की।